असरगंज प्रखंड में शिक्षा संवाद कार्यक्रम किया गया। जिले के असरगंज प्रखंड जिलाधिकारी मुंगेर के निर्देश पर असरगंज प्रखंड अंतर्गत मामई ग्राम लाल बहादुर शास्त्री किसान उच्च विद्यापीठ मामई जोड़ 2 स्तरीय विद्यालय में गौतम प्रसाद पूर्व प्रधानाध्यापक शांतिनगर की अध्यक्षता में संचालन राष्ट्रीय जनता दल जिला प्रवक्ता मुंगेर अभिमन्यु कुमार यादव ने किया। बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर असरगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार जायसवाल ने छात्र छात्राओं द्वारा चलाए जा रहे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। प्रधानाध्यापक संतोष यादव ने छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सरकार द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जानकारी दिया। इस मौके पर असरगंज राज्य प्रखंड अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव, असरगंज राजद प्रखंड महासचिव पंकज यादव, मुंगेर जिला राजद्वरीय नेता सह चोरगव पंचायत मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव, पूर्व प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार, पूर्व मुखिया कृष्णनंदन सिंह, समाजसेवी रंभा कुमारी और गरिमामयी लोग और बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। जिस दिन जा रहे थे तो उनकी धोती फटी हुई थी। उनकी पत्नी ने बोली कि फटे हुए पानी क्या जाएंगे आप ले रहे हैं। देखो करोड़ों बच्चे हमारे बैठे हुए, करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, हम वही फटते हैं। पुराना धोती से जाकर प्रधानमंत्री का लिए थे और आपका प्रधानमंत्री हमला दे रहा है। नोटों में कलर चल रहा है, नामों में बोलेगा। समझ रही आप कि ये देश की स्थिति है। देश की स्थिति कैसे मजबूत होती है जानते आप लोग, असर पड़ते हैं आप लोग। आवश्यकता अनंत है, आवश्यकता अनंत है, उसके लिए पूर्ति करना है। किसी बड़े लोगों का आपको अगर उसके लेवल में आना है तो आपका पहला हथियार होगा वो है शिक्षा। शिक्षा को पकड़ लीजिए, गरीब से गरीब अभी रिक्शा पूरा ध्यान देखिए। कभी डीएम एक बगल में उनके डीएम बने साधारण शिक्षक का बच्ची थी, तो ये सीखना चाहिए। ये व्हाट्सएप में कुछ रखा है, ये सब लोग व्हाट्सएप यूट्यूब ये देश को बर्बाद कर रहा है। जो सीखने का चीज हम लोग सीख नहीं रहे। दुनिया के रामदास जी चिंता थे, बोले थे दुनिया मुट्ठी में होगा। सही बात, मुट्ठी में ही है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था कि हम कुछ कर सकते हैं, तो ये जवान नौजवान की वो ताकत है, नौजवान की वो ताकत है। 18 से 35 वर्ष तक की उम्र में उस नौजवान में वो ताकत है, उसके नहीं खून में वो ताकत है कि वो पत्थर को भी पानी कर सकता है। तो नौजवान और किसानों में वो ताकत है। एक समय था हम लोग अन्न दूसरे देशों से 1962 का वो समय था, दूसरे देशों से हम लोग अन्न लाना पड़ता था। हम लोग भारत में तमाम को जो भी अन्न है उस पेट को भरने के लिए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने वो एक समय का खाना बंद करने के लिए कहा गया कि नहीं खाएंगे नहीं एक पेट, लेकिन किसी से आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तो तमाम उस महान पुरखों के नाम पर, तमाम उस योद्धाओं के नाम पर स्कूल का भी नाम है। मैं जरूर चाहेंगे इस विद्यालय से भी वैसा छात्र छात्राएं निकले जो देश और दुनिया में अपना नाम को रोशन करें। अब हमारे बीच जो हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के समाज के बुद्धिजीवी और हम लोगों के शुभचिंतक, हम लोगों के क्षेत्र की एरिया की समाज की चिंता में जुड़े रहते हैं। हम लोगों के वर्तमान चरगांव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय बाबू और हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल परिवार के वरिष्ठ मुंगेर जिले के लीडर हैं। उन्होंने बिहार प्रदेश से प्रांत के पूर्व पंचायती राज प्रकोष्ठ के महासचिव के पदों को भी सुशोभित किया है और तमाम मुंगेर जिले के वरिष्ठ राजनेताओं में इनका गिनती है। सौभाग्य हम लोगों के बीच आए हैं। मेरे लिए खासकर और सौर बड़ी सौभाग्य है कि हम उस पार्टी से प्रवक्ता से गरिमा में पदों पर बिलोंग करते हैं और देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय बाबू का कि ले जाए, लेकिन हम लोगों का आशीर्वाद देने के